तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस खूबसूरत से प्लांट के बारे में जो है गजानिया का प्लांट। और आप देख सकते हैं इस पर फ्लावरिंग कितनी अच्छी हो रही है। और ये एक ऐसा प्लांट है जिसको अगर आप एक बार लगाते हैं तो आप इससे 5 to 6 months इससे फ्लावरिंग ले सकते हैं, क्योंकि ये एक हार्डी प्लांट है और जल्दी से बेकार नहीं होता है। गर्मी भी ये बर्दाश्त कर लेता है। और अगर आप इसको दिसंबर मंथ में लगाते हैं तो आप इससे जून मंथ तक फ्लावरिंग ले सकते हैं, और इसको ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। और पॉट की बात करें तो पॉट ये देखिए, ये 6 इंच का पॉट है और इसमें भी ये कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। और इसका फ्लावर ऐसा नहीं है कि एक दिन खिलेगा और एक दिन में ही ये स्पेंट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। ये क्या होता है, जब धूप निकलती है तो ये पूरी तरीके से इस तरीके से खुल जाता है, लेकिन जब शाम को धूप चली जाती है तो इसकी पत्तियाँ इस तरीके से बंद हो जाती हैं, कुछ इस तरीके से ये लगने लगता है। हालांकि ये बर्ड है, लेकिन ये इस तरीके से हो जाता है। और इसमें कलर ऑप्शंस आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। मेरे पास ये 2 कलर हैं, एक ही येलो और ये देख सकते हैं ये है रेड में। और ये अभी से खिला नहीं है, ये अभी इस पर बर्ड ही आई है। और इस पर फ्लावरिंग देखिए, इस पर बर्ड्स, इस वाले प्लांट पर भी बहुत सारी बर्ड्स आई हुई हैं। और केयर की बात करें तो ये एक ऐसा प्लांट है जिसको फुल सनलाइट चाहिए। अगर आप इसको सनलाइट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो इसकी बर्ड्स नहीं खुलेंगी और ना ही फ्लावरिंग होगी इस पर। और इसको अच्छे पूरे दिन की, अगर आप सर्दियों के पूरे दिन की धूप देंगे तो ये अच्छे से ग्रो करेगा। ये मैं दोनों सैपलिंग ही लगाई थी और ये सैपलिंग सिर्फ मैंने 10-10 rupees में ली थी। अगर आपके यहाँ भी सैपलिंग मिल जाती हैं तो आप सैपलिंग से ग्रो कर सकते हैं, वरना तो ये जो प्लांट है इतना महंगा भी नहीं आता है। 20 rupees में इसके प्लांट्स मिल जाते हैं, 20 से 30 rupees में मिल जाएंगे। वो आपके एरिए के अकॉर्डिंग होगा प्राइस इसका, जो भी नर्सरी आपके पास अवेलेबल हो आप उसमें पता कर सकते हैं। और जितना टाइम इसको होता रहेगा ये उतना ही घना होता जाएगा। इसको यहाँ से रूट से इसकी ग्रोथ निकलती है और उतना ही घना ये होता रहेगा और उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। तो इसके लिए ये बेस्ट पॉट है। और अगर आप बड़ा पॉट लेते हैं तो उसमें आप 2 से 3 प्लांट को या 4 प्लांट को एक साथ लगा सकते हैं, जिससे आपका गमला फूलों से भर जाएगा। फर्टिलाइज़र के लिए आप इसको DAP और सरसों की खली का फर्टिलाइज़र ज़रूर दें और फुल डे की सनलाइट प्रोवाइड करें तो ये आपके गार्डन में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।